सामना के जरिए शिवसेना ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोल दिया है। शिवसेना ने नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस के बयान और सूबे में राष्ट्रपति शासन लगने को लेकर निशाना साधा है। मुखपत्र के संपादकीय में लिखा है कि राज्य में नए समीकरण बनता देखकर कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। कौन कैसे सरकार बनाता है देखता हूँ, इस प्रकार की भाषा और कृत्य किए जा रहे हैं। ऐसे श्राप भी दिए जा रहे हैं कि अगर सरकार बन भी गई तो कैसे और कितने दिन टिकेगी देखते हैं। वहीं ऐसा भविष्य भी बताया जा रहा है कि 6 महीने से ज्यादा सरकार नहीं टिकेगी। ये नया धंधा लाभदायक भले हो, लेकिन ये अंधश्रद्धा कानून का उल्लंघन है। आगे लिखा गया है कि सत्ता या मुख्यमंत्री पद का अमर पट्टा लेकर कोई जन्म नहीं लेता। खुद को विश्व विजेता कहने वाले नेपोलियन और सिकंदर जैसे योद्धा भी आए और गए। श्री राम को भी राज्य छोड़ना पड़ा। औरंगजेब आखिर जमीन में गाड़ा गया तो अजय होने की लफाजी क्यों।